दिल दहलाए दे वाले श्रद्धा हत्याकांड में जो ने बेरहमी से श्रद्धा के 35 टुकड़ा कीन गए, इस जघन्य हत्याकांड की चर्चा जो है अब पूरे देश में हो रही है। और बड़ी बात ही कि अब ये हत्याकांड का कौन कौन लव जिहाद से जोड़ के देखा जा रहा है। बता दी कि भोपाल सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर के ये पूरे मामले का लेके श्रद्धा हत्याकांड से जुड़ा बड़ा बयान सौ आबा है। ए के मुताबिक बता दी कि प्रज्ञा सिंह ठाकुर के द्वारा यह कहा गया कि लव जिहाद का होत है ये आफ्ताब के द्वारा साबित कई दिनगा, और हिंदू बेटियन का खास तौर में चाहिए कि वो हिंदू लड़का से शादी कराए। के साथ ही साथ बता दी कि प्रज्ञा सिंह ठाकुर के द्वारा सीएम अशोक गहलोत के ऊपर, राजस्थान के मुख्यमंत्री के ऊपर निशाना साधा गया। राजस्थान के मुख्यमंत्री के बड़ा बयान सुनाया रहा, जहां राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ये पूरे हत्याकांड का एक दुर्घटना के नाम दे दिए रहे, ओहू पर कड़ा प्रहार कीनगा भाई प्रज्ञा सिंह ठाकुर के द्वारा का कुछ कहा गया है वो अपना कहा खबर में बताऊ। तो विंध्य क्षेत्र के पहल बघेली न्यूज चैनल में हम पूछा अपना पंचे सवजन इनका प्रणाम कहते शुरू कही थे बड़ी खबर से। बता दी कि सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर के बड़ा बयान सौहियाबा है दिल्ली के होए वाले श्रद्धा हत्याकांड कले के। बता दें कि सांसद प्रज्ञा के द्वारा कहा गया कि लव जिहाद में का होत है ये आफ्ताब साबित कर दिन। बता दें कि आफ्ताब के द्वारा जो कीनगा है वह हिंदू बच्चा कबो नहीं सोच सके, यह कहा गया प्रज्ञा सिंह ठाकुर के द्वारा। एक साथ ही साथ वो कहें कि हर सनातनी का चाहिए कि वो अपने बच्चा का लव जिहाद के बारे में बतामा। एक साथ है यह कहें कि ये नसीहत दे डाले हिंदू बेटियन का कि उनका विवाह जो है हिंदू लड़कन से करे चाहिए। बताए दे कि भोपाल सांसद प्रज्ञा ठाकुर के द्वारा कहा गया कि समाज में लव जिहाद के एक जहर फैलला है और यह लव जिहाद देश खातिर कलंक है जेका मिटावे के सब के जिम्मेदारी है और इमें जागरूकता लाव सब के जिम्मेदारी है। काहे से कि हिंदू कबो यमे के कार्य नहीं कर सके, अतनी विभत्स हत्या अतनी क्रूरता या लव जिहाद के जनुगामी हाँ वो कह सकते हैं। यह पूरा बयान बता दी कि सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर के द्वारा कहा गया और आगे वो कहें कि एक मामला का लेके जागरूकता ले आवे खातिर हिंदू विटियन का महिलन का भीतर यह चीज जगाई पड़ी कि आप हिंदू हैं तो हिंदू में विवाह करिए। बता दें कि इनके द्वारा कहा गया कि लव अब कुछ नहीं हो, लव अब लव जिहाद बन चुका है। निश्चित तौर से इनके द्वारा कहा गया कि यह पाप आए दुराचार आए। बता दें कि के साथ ही साथ सांसद के द्वारा यह कहा गया कि प्रेम पहले जो होत रहा ओका समर्पण माना जात रहा, जब खुद का केहू पर समर्पित कर दे था तो ओका प्रेम कहा जा था, पर अब प्रेम में जिहाद आ चुका है और एक कारण हिंदू महिलन का हिंदू बिछियन का ऐसे बच के रहे चाहिए। एक साथ ही साथ राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत के ऊपर निशाना साधा का है। बता दें कि अशोक गहलोत के द्वारा श्रद्धा हत्याकांड के जो बर्बरता पूर्वक श्रद्धा के मदर कीन गा रहा ओ माँ बड़ा बयान दीन गा रहा, श्रद्धा हत्याकांड का दुर्घटना बतावेगा रहा और धर्म का टारगेट करे वाले बयान माँ प्रज्ञा सिंह ठाकुर के द्वारा कहा गया कि अशोक गहलोत के द्वारा यह बयान दई कि श्रद्धा के अपमान कीन गा है, महिलन के अपमान करब कांग्रेस के रीति आए। तो कुल मिलाए के सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर के द्वारा यह कहा गया कि लव जिहाद में का होत है या आफ्ताब के द्वारा साबित कई दिन गा, प्रेम के अब कोनो चीज प्रेम नाम के नहीं रह गया, प्रेम अब लव है ना लव जिहाद के रूप में परिवर्तित हो चुका है और यही खातिर या बड़ी नसीहत के साथ ही साथ हिंदू महिला बिटियन खातिर दिहिन के विवाह जो हिंदू बिठी हैं वो अपने धर्म के लड़का से यानी हिंदू लड़के से करा। तो यह बड़ा बयान सो हुआ बता दी कि पूरा हत्याकांड के चर्चा देश में हो रहा है और अलग अलग बयान हलाए दीन जाल हाँ बागेश्वर धाम के बता दी कि महंत के द्वारा बड़ा बयान एक लेके दिन गा रहा, उन्हों के द्वारा कहो न कहो एक पूरे मामला का लव जिहाद से जोड़ा गा रहा, जिसके बाद अब यह साध्वी के बड़ा बयान से वहीं आबा है। तो सजग रही सतर्क रही रखिया पर और अपने परिवार के ख्याल दे इजाजत पड़ा। कांग्रेस के द्वारा जब भी देखो तब महिलाओं का अपमान किया जाता है। एक लड़की श्रद्धा जिसके 35 टुकड़े करके एक विधर्मी ने फ्रिज में रखे और एक एक करके उसको फेंका पूरी योजना के अंतर्गत। लव जिहाद का जो एक जहर फैल रहा है हमारे समाज में वो लव जिहाद हमारे लिए एक देश के लिए कलंक है, इसको मिटाना हम सबकी जिम्मेदारी है और इसमें जागरूकता लाना हम सबकी जिम्मेदारी है, क्योंकि हिंदू कभी भी इस प्रकार के कार्य नहीं करता है। इतनी बीभत्स हत्या, इतनी क्रूरता, इतनी नृशंसता ये तो कोई और नहीं कर सकता, ये तो सिर्फ लव जिहाद के जो अनुगामी है वही कर सकते हैं। इसलिए इनसे जागरूक करना, इस चीज से दूर हटाने के लिए हमें महिलाओं के लड़कियों के अंदर में ये चीज जगाना पड़ेगी कि वास्तव में आप
हिंदू हैं, हिंदुओं में विवाह करिए, ये लव अब कुछ नहीं होता है, लव तो अब जिहाद हो गया है। और इसलिए प्रेम जो पहले हुआ करता था वो समर्पण का नाम प्रेम माना जाता है। हम सन्यासी एक बात कहा करते हैं और वास्तव में हमारा जीवन इस प्रकार का होता है कि जब हम प्रेम करते हैं, अटूट प्रेम करते हैं और हम प्रभु को समर्पित हो जाते हैं, फिर हमारे पास कुछ नहीं बचता है। इसे कहते हैं प्रेम और समर्पण। और हम पूरी जिंदगी अपनी प्रभु के लिए समर्पित करके और धर्म कार्य में लगा देते हैं, ईश्वर के संदेश को विस्तार करने में लगा देते हैं। लेकिन जिस प्रकार से ये प्रेम की परिभाषा लव कर दिया है और लव के बाद इसमें जिहाद जोड़ दिया गया है, निश्चित रूप से ये पाप है, दुराचार है, अनाचार है, भ्रष्टाचार है। और इस तरह का समर्थन करने वाले अशोक गहलोत राजस्थान के मुख्यमंत्री, उन्होंने जिस प्रकार से इसके पक्ष में बयान दिया है, उस लड़की को का अपमान किया है जो मर गई है। और एक लव जिहाद का उदाहरण देखिए कि एक को हॉस्पिटल यूपी में हॉस्पिटल से नीचे फेंक दिया जाता है, किसी के घर में जाके उसको मार दिया जाता है, किसी के घर वालों को मार दिया जाता है, लड़कियों का अपहरण करके उनको तमाम प्रकार से प्रताड़ित किया जाता है, विवाह कर लेता है, बेच दिया जाता है, विवाह कर लेते हैं, पैसे ले लेते हैं और विवाह करके उनके साथ क्रूरतम जो अत्याचार है वो किए जाते हैं। जो बच जाती हैं, भाग आती हैं, वो तो बच जाती हैं और जिंदगी भर रोती हैं, लेकिन जो नहीं बच पाती वो अपने 35 टुकड़े और 37 टुकड़े और 100 टुकड़े करवा लेती हैं। और इस प्रकार से हमारे देश की जो बालिका जो पूजी जाती है और उस बालिका का भविष्य खतरे में है, इसलिए हमें इस ओर जागृत